प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम क्लास सिक्स से द अर्थ और हैबिटेट्स सामाजिक की पुस्तक का लेसन आठ, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी पाठ पढ़ेंगे। आओ पढ़ते हैं। You read in newspapers daily and watch on TV. आप मौसम के बारे में on TV और hear other talking about weather. आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं तथा TV पर देखते हैं। You must know, आप जानते हैं the weather. That weather is about day-to-day changes in the atmosphere. ये मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। It includes change in temperature. इसमें तापमान, रेनफॉल, वर्षा एंड सनशाइन और सूर्य की किरण इत्यादि शामिल हैं। For example, उदाहरण के लिए, as such इट में भी हॉट और कोल्ड, उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, सन्नी और क्लाउडी, कभी धूप वाला तो कभी बादल छा जाते हैं, विंडी और काम, कभी हवा वाला तो कभी शांत मौसम। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने ध्यान दिया होगा, एंड वेहन इट इज हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग, जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यू आल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स, आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, देयर आर डेज टुगेदर, डेज मीनिंग दिन, टुगेदर मीनिंग इकट्ठे, यू फील कोल्ड विदाउट वूलन क्लॉथ, वूलन मीनिंग ऊनी कपड़े, वेहन इट इज़ वेरी विंडी और चिली, इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट, जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवा, चिली एंड विंडी, ठंडी और तेज हवा चलती है, इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर, सामान्यतः भारत में बहुत मौसम होते हैं, कोल्ड वेदर सीजन विंटर, ठंडा मौसम सर्दी, दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम यानी विंटर सर्दी, हॉट वेदर सीजन समर मार्च टू मई, मार्च से मई तक गर्म मौसम अर्थात गर्मी, साउथ वेस्ट मानसून सीजन रेनी जून टू सितंबर, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम अर्थात रेनी मौसम का, बरसात का मौसम का, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटम अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम यानी सर्द, ऑटम ऑटमन ऑटम पतझड़ का, कोल्ड वेदर सीजन और विंटर शीत ऋतु या ठंडा मौसम, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, हॉट वेदर सीजन और समर ग्रीष्म ऋतु, इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं,
टेम्परेचर बिकेम वेरी हाई, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे, दिन के समय गर्म और शुष्क पवन चलते हैं जिसे लू कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों, ये खेल खेल में है, लेट्स हैव फन, आओ खेलें। पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ड्रिंक डिलीशियस कूल ड्रिंक्स कॉल्ड शरबत मेड फ्रॉम फ्रूट्स अवेलेबल इन देयर रीजन्स। हमारे देश में सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय जिसे शरबत कहते हैं, दे आर एक्सीलेंट थ्रस्ट क्यूंचर्स एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ द हार्श लू। शरबत आदि पीते हैं, ये पेय पदार्थ प्यास बुझाने में सबसे अच्छे साधन हैं तथा लू के दुष्प्रभाव से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हैव यू टायर्ड शरबत मेड फ्रॉम रा मैंगोज बेल लेमन टैमरिंड कोकुम पलसा वाटरमेलन एंड बटर मिल्क मेड फ्रॉम कर्ड्स फॉर एग्जांपल चाचा मत्था मोरी कास इटीसी। आप क्या आपने कभी आम बेल नींबू टैमरिंड इमली कोकुम तरबूज दही का शरबत जैसे छाछ मट्ठा मोरी इत्यादि पिए हैं? मेक मैनी बनानाज एंड मैंगो मिल्क शेक टू, बहुत से लोग केला और आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। आफ्टर ए हॉट समर गर्मी के बाद द फर्स्ट रेन्स ब्रिंग मच जॉय, पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। ऑल आवर लैंग्वेज हैव मेलोडियस सॉन्ग्स ऑन रेन्स, हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत है, वे सुनने में अच्छे लगते हैं। दे साउंड हैप्पी एंड ब्रिंग चीयर, हमें अच्छे लगते हैं और हमें आनंदित करते हैं। लर्न टू सॉन्ग्स ऑन रेन्स एंड सिंग देम टुगेदर, वर्षा के दो गानों को याद करें और एक साथ मिलकर गाएं। आस्क यूअर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से पूछें, नेबर्स पड़ोसियों से एंड फैमिली परिवार मेंबर्स परिवार के सदस्यों से फॉर नेम्स फॉर रेन एंड अदर सीजन, वर्षा और दूसरे मौसम के बारे में इन डिफरेंट लैंग्वेज अलग अलग भाषाओं में। फॉर इंस्टांस उदाहरण के लिए, यानी कि वर्षा पर पांच अलग अलग विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्र पड़ोसी और परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। जैसे वर्षा हिंदी में वर्षा, बारिश उर्दू में बारिश, पावस मराठी में पावस, वर्षा बंगाली में वर्षा। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून, यह मानसून के आने ऑनसेट और आगे बढ़ने का मौसम है। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवार्ड्स द लैंड, इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से सथल की ओर चलती है। दे कैरी मॉइस्चर विद देम, वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। वे हन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल ऑकर्स, जब ये पवने पहाड़ों से टकराते हैं तब वर्षा होती है। सीजन्स और
रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम, मानसून के लौटने का मौसम या पतझड़, शरद ऋतु भी कह सकते हैं। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिण भागों में, पर्टिकुलरली विशेषकर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। हाउएवर, फिर भी, द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन, क्लाइमेट जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्लाइमेट जलवायु कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है मौसम, सीजन, मौसम। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड, ज़्यादातर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स, भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। गुड मानसून्स मीन्स एक्वाइट रेन एंड ए बाउंटीफुल क्रॉप, अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, एडिक्वेट रेन, पर्याप्त वर्षा एंड ए बाउंटीफुल क्रॉप्स, प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। नेक्स्ट स्टेंजा पढ़िए बच्चों। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ, किसी स्थान की जलवायु, उसकी लोकेशन, स्थिति, एल्टीट्यूड, ऊंचाई, डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी, एंड रिलीफ और उच्चावच पर निर्भर करती है। देयरफॉर, इसलिए वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं। वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। कोस्टल प्लेसेज लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट, तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की मौसम की जलवायु मध्यम है, मॉडरेट, मध्यम है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, वे न अधिक गर्म हैं और न अधिक ठंडे। बींग्स ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। मौसिन राम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिन राम में होती है। वाइल इन ए पर्टिकुलर ईयर इट माइट टू रेन इन ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है।
नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। वी सी ए वैरायटी, वैरायटी मीनिंग विभिन्नता ऑफ प्लांट्स लाइफ इन आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग मीनिंग चारों। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का जीवन देखते हैं। हाउ नाइस इज इट टू प्ले इन ए फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस, हरी घास वाले मैदानों में खेलना कितना अच्छा लगता है। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशीज एंड सर्व्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स ईटीसी, कुछ छोटे पौधे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस और फूलों वाले पौधे। बिसाइड्स दे आर मैनी ट्री टॉल ट्रीज सम विद मैनी ब्रांचेज एंड लीव्स लाइक नीम मैंगो एंड सम विच स्टेंड विद फ्यू लीव्स सच एज पाम। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे पेड़ होते हैं जिनमें से कुछ की टहनियाँ और पत्तियाँ होती हैं, जैसे नीम आम, तो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियाँ की मात्रा बहुत कम होती है, पाम जैसे कि नारियल। द ग्रासीज सर्व्स एंड ट्री विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रासीज, घास झाड़ियाँ तथा पौधे, विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस, जो बिना मनुष्य की सहायता से उग जाते हैं, उन्हें कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। डू यू वंडर, क्या आपने कभी नहीं सोचा है, डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर, कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। Different type of a natural vegetation are dependent on different climatic condition, among which the amount of rainfall is very important. अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, इनमें वर्षा की मात्रा बहुत सबसे महत्वपूर्ण होती है। Due to varied climatic condition, जलवायु की विभिन्नता के कारण इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, वन हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर एस, जंगल हमारे लिए, वन हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, वे हमारे बहुत से कार्य करते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड वी ब्रीथ एंड अब्सॉर्ब कार्बन, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमें सांस के रूप में लेते हैं, एंड अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सोयल, और पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। इस प्रकार दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, वे मिट्टी अपरदन को रोकते हैं, नियंत्रण करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर और फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडी क्लीनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, लेक, हनी, गम, ईटीसी। वन हमारे लिए इमारती लकड़ी, फर्नीचर, ईंधन की लकड़ी, दवाइयों के पौधे, झाड़ियाँ, शहद, गोंद इत्यादि प्रदान करते हैं। Forests are the natural habitat
of wildlife. फॉरेस्ट वन है वो हमारे जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक निवास स्थान है. नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू ए लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज. नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति हैज बीन डिस्ट्रॉयड ऑफ टू ए लार्ज एक्सटेंट बड़ी मात्रा में नष्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ रेकलेस कटिंग ट्रीज क्योंकि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिटिंग वंस एंड मेक्स पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए जो हम अपने जीवन को बचा सकें और लोगों को पेड़ों की महत्ता के बारे में जागरूक कर सकें. वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन. हमें पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में लोगों को शामिल करना चाहिए तथा पृथ्वी को हमें इस प्रकार हरा भरा रख सकते हैं. वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन या वन्य प्राणी. फॉरेस्ट आर होम टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. वन्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड ए लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स एम्फीबियंस मैमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स विच डेवल इन द फॉरेस्ट. वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियाँ तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के रेप्टाइल्स रेंगने वाले जीव एम्फीबियंस उभयचरों मैमल्स स्तनधारियों बर्ड्स पक्षियों इंसेक्ट कीटों एंड वॉर्म्स कीड़ों का निवास होता है. नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों. द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल. बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है. इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री. यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है. गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लॉयन. गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है. एलिफेंट्स एंड वन हॉर्नड राइनोक्रोसेस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम. हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं. एलिफेंट्स आर आल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका. हाथी केरल तथा कर्नाटक में मिलते हैं. कैमल्स एंड विल एसीज आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रेन ऑफ कच्छ रिस्पेक्टिवली. ऊंट भारत के रेगिस्तानी तथा जंगली गधे कच्छ के रन में पाए जाते हैं. विल्ड गोट्स जंगली बकरियां, स्नो लिपियॉर्ड हिम तेंदुआ बियर्स भालू इत्यादि आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन. हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं. बिसाइड दीज इसके अतिरिक्त मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकी. इसके अतिरिक्त बहुत से जानवर जैसे बंदर वॉल्फ भेड़िया जैकल गिद्दड़ नीलगाय चित्तल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं. इंडिया इज इक्वली रिच इन वर्ल्ड लाइफ. भारत में पक्षियों की भी बहुत ज़्यादा प्रचुरता है. द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड. मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरेट्स पिजन्स मैना गीज बुलबुल एंड डक्स. भारत में पक्षी तोता मैना कबूतर बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं. देयर आर सेवरल बर्ड्स
centuries which have been created to give birds their natural habitat. अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं. These provides the birds protection from hunters. उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं. These provides. Can you name five birds? क्या तुम पांच पक्षियों के नाम बता सकते हो? That are commonly found in your area. जो सामान्यतः आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं. There are several hundreds of species of snakes found in India. भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं. Cobras and rats are important among them. उनमें कोबरा तथा कैरेट मुख्य हैं. Due to cutting of forest and hunting, वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार करने के कारण several species of wildlife of India are declining rapidly. भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं. Many species have already become extinct. बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त हो चुकी हैं. In order to protect them, many natural parks. उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप. नेशनल पार्क, पशु विहार और बायोस्फीयर जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं. द गवर्नमेंट, ये बच्चों देखो पक्षियों के चित्र हैं नीचे स्टेंजा. द गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स. से सरकार ने हाथियों और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना तथा हाथी परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया गया है. कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया आर लोकेटेड देम ऑन ए मैप. क्या भारत में कुछ पशु विहारों के नाम और मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? यू कैन आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट ऑन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ. आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं. यू कैन रिफ्यूज़ टू बाई थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स और फर. आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं. स्किन्स चमड़ी एंड फीदर्स पंख. एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं. टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल किंगडम. ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके. इस चित्र फिगर के आधार पर कुछ प्रश्न है नीचे. देखिए, वाई डू पोचर्स किल टाइगर. से पोचर्स होते हैं शिकारी, बाघों को क्यों मारते हैं? व्हाट विल हैपन, क्या घटित होता है इफ टाइगर्स वैनिश फ्रॉम आवर फॉरेस्ट. यदि हमारे वनों से बाघ खत्म हो जाएं. हाउ यू यूर विजिटेड एनी टाइगर रिजर्व्स और ए जू वेदर टाइगर्स आर कैप्ट. क्या आपको कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहाँ बाघों को रखा जाता है? माइग्रेटरी बर्ड्स प्रवासी पक्षी. सम बर्ड्स सच एज पिन टेल डक. कुछ पक्षी जैसे पेनिकल करलियूज फ्लेमिंगो साइबेरियन क्रेन ऑफ स्प्रे एंड लिटल स्टेंट माइग्रेट टू आवर कंट्री इन विंटर सीजन एवरी ईयर. स्टार्क फ्लेमिंगो पिन टेल बतख करल्यू आदि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं. स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड्स लिटल
stent, wedding as low as 15 ग्राम. साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं. और हर्बेटिक रीजन ट्रेवल ओवर 8000 किलोमीटर टू रीच इंडिया. और मार्च के आरंभ तक रहते हैं. ये 8000 किलोमीटर की यात्रा तय करके भारत में पहुंचते हैं. तो बच्चों हमारा ये लेसन पूरा हुआ. आशा आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चन देखिए इसके. विच बर्ड्स विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया. कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है. व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट. यह महत्वपूर्ण क्यों है. नेम द डिफरेंट सीजन ऑफ इंडिया. भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए. व्हाट इज नेचुरल वेजिटेबल वेजिटेशन. प्राकृतिक वनस्पति क्या है. क्वेश्चन नंबर दो देखिए बच्चों. टिक द करेक्ट आंसर. सही पर टिक लगाइए. द वर्ल्ड्स हाइएस्ट रेनफॉल ऑकर्स इन. संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है. मुंबई आसनसोल आसनसोल मौसिनराम. आंसर है बच्चों तीसरा मौसिनराम. विल्ट गोट्स एंड स्नो लिपियोर्ड आर फाउंड इन. जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए पाए जाते हैं हिमालय रीजन हिमालय क्षेत्र में. पेनिसुलर रीजन प्रायद्वीपीय क्षेत्र में. गिर फॉरेस्ट गिर के क्षेत्र में. तो आंसर आएगा इसका बच्चों हिमालय रीजन हिमालय क्षेत्र में. थर्ड है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड. दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम. आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं. लैंड टू सी स्थल से समुद्र की ओर. सी टू लैंड समुद्र से स्थल की ओर. प्लेटू टू प्लेंट पठार से मैदान की ओर. तो बच्चों इसका आंसर है सेकंड सी टू लैंड. समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं जो पहाड़ों से टकरा करके हमारे यहाँ मानसूनी वर्षा होती है. अगला क्वेश्चन है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स. खाली स्थान भरो. हॉट एंड ड्राई विंड्स हॉट गर्म एंड ड्राई सूखी हवा. नोन एज जानी जाती है. ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर जो गर्मियों के दिनों में चलती है उसको क्या कहते हैं बच्चों. लू LOO कहते हैं उसको. सेकंड है द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव ए ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खालिस्तान के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है. तो बच्चों वहाँ लौटती हुई मानसून वर्षा करती है जो कि विंटर सीजन सर्दी के मौसम में होती है. तो आंसर खालिस्तान आ जाएगा विंटर. खालिस्तान फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ. गुजरात के वन हैं वो खालिस्तान का निवास हैं. तो गुजरात के गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों. होम ऑफ लॉयंस शेरों के घर हैं. तो बच्चों हमारा ये लेसन पूरा हुआ. आशा है आपको समझ में आएगा. लास्ट में ये स्टेट और कैपिटल राज्य और राजधानियाँ दी गई हैं. इनको ध्यान से पढ़ें और लिखें. धन्यवाद.